जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि दोस्तों असम राइफल में राइफलमैन, ट्रेडमैन, क्लर्क, हवलदार, जीडी की भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये जो भर्ती है किस किस पोस्ट पर आई हुई है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस भर्ती से रिलेटेड मिलने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने आपके सामने ओपन की हुई है असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आपको असम राइफल की ऑफिशियल साइट पर जाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ, इसको विजिट करके आप जो है असम राइफल की साइट पर आ सकते हैं। और इस भर्ती के यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर लेटेस्ट वाले ऑप्शन में आकर इस भर्ती का दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो भर्ती है वो किस किस पोस्ट पर आई हुई है और आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए किस क्वालिफिकेशन का पास होना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने आपके सामने ओपन कर लिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यदि दोस्तों आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप हमारी ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे, तो वहां पर आपको असम राइफल के सामने क्लिक हर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वहां से क्लिक करके आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहली जो आपकी पोस्ट है वो है जनरल ड्यूटी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ड्यूटी की दोस्तों आपकी पहली पोस्ट है और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो आपकी रैंक रहेगी वो राइफल मैन की रहेगी। और क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी जो होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं पास आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। यदि आपकी एज 18 से 23 के बीच में है तो आप इस भर्ती पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपकी क्लर्क की। क्लर्क की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लर्क की पोस्ट में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12वीं पास मांगी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं के साथ साथ दोस्तों आपसे टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी की दोस्तों 30 वर्ड और इंग्लिश की 35 वर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट जो है वो आपकी दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट की, यानी कि पीए की। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वारंट ऑफिसर दोस्तों आपको यहाँ पर रैंक रहेगी, क्वालिफिकेशन इसमें आपके 12वीं पास और आपसे डिक्टेशन आना चाहिए, यानी कि ट्रेड में जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपसे डिक्टेशन आना चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड। और यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी जो अगली पोस्ट है वो है इलेक्ट्रिकल फिटर की। यहाँ पर आपकी रैंक रहेगी राइफलमैन की, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में दोस्तों आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस, मैथ और इंग्लिश होने चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको AC DC करंट की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट आपकी है लाइनमैन फील्ड की। यहाँ पर मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इस पोस्ट पर। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी 10वीं पास, 10वीं के साथ साथ दोस्तों आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट से रिलेटेड। उसके साथ दोस्तों आपकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, अगली जो पोस्ट है वो आपकी रेडियो मैकेनिक की है। इस पोस्ट पर भी सिर्फ मेल ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं पास क्वालिफिकेशन प्लस दोस्तों आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं, 12वीं में दोस्तों आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो एज है वो आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं, जो अगली पोस्ट है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने आपके सामने ओपन किया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सभी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी आर्मर की। यहाँ पर राइफलमैन आपकी रैंक रहेगी, क्वालिफिकेशन 10वीं पास। यहाँ पर आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। इसी पोस्ट पर भी मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिस पोस्ट में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और हम आपको बता भी रहे हैं। तो यहाँ पर यदि दोस्तों आपको जिस पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो आप वहाँ पर वीडियो को रोक लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक की। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है और 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है आपकी व्हीकल मैकेनिक की। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10वीं पास। यदि आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। एज आपकी 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों पोस्ट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। 10वीं प्लस पास प्लस आपके पास इलेक्ट्रीशियन का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और 18 से 23 के बीच में आपको जो है एज का होना बहुत जरूरी है, यानी कि 18 से 23 के बीच में आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लम्बर की पोस्ट है, मेल की कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं इस पर। 10वीं पास क्वालिफिकेशन प्लस ITI का डिप्लोमा, 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। और फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट है, यहाँ पर वारंट ऑफिसर आपका रैंक रहेगी, 12वीं पास क्वालिफिकेशन प्लस आपके पास यदि
फार्मेसी से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा है तो आप उसको लगा सकते हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। फार्मेसी में दोस्तों डी फार्मा भी आपका चल जाएगा, बी फार्मा भी चल जाएगा, या उससे ऊपर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपकी अगली पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट की, तो यहाँ पर 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है और 18 से 23 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और जो आपकी रैंक रहेगी वो हवलदार की रहेगी। यहाँ पर अगली पोस्ट है आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इस पर सिर्फ फीमेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल अटेंडेंट की, तो यहाँ पर आपकी रैंक रहेगी राइफलमैन, और 10वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन, 18 से 23 आपकी एज। उसके बाद आपकी अगली पोस्ट है बारबर की, यहाँ पर राइफलमैन आपकी रैंक रहेगी। मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास क्वालिफिकेशन, 18 से 23 आपकी जो है एज होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी कुक की, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपकी जो पोस्ट है ये राइफलमैन, हवलदार, क्लर्क, ट्रेडमैन सभी काफी सारी पोस्टों पर आई हुई है। यहाँ पर आपकी जो कुक की पोस्ट है इस पर सिर्फ मेल ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास और 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको सभी पोस्टों की जानकारी दे रहा हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सब यदि आप किसी भी क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं जो आपके हिसाब से सही रहेगा तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपके समझ में सारी जानकारी आ पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विपमेंट बूट रिपेयर आपकी यहाँ पर पोस्ट है, सिर्फ मेल ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 18 से 23 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सफाई कर्मचारी स्वीपर की आपकी पोस्ट है, 10वीं पास क्वालिफिकेशन, 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको तेज तेज इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारी पोस्टें हैं, इसलिए जो है वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही सही है। यहाँ पर अगली पोस्ट सबसे लास्ट आपकी पोस्ट है वाशरमैन की, वाशरमैन पर मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रैंक आपकी रहेगी राइफलमैन, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास प्लस आपकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास जो है क्वालिफिकेशन और पोस्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया आप फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे और आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, हाइट चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जानकारी दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है वही हमने आपको प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं, जो आपकी हाइट है इसमें जो मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए नॉर्मल क्षेत्र से, और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना चाहिए। यदि आप गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा इन सब क्षेत्र से आते हैं, जो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 78 सेंटीमीटर। यदि आप ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 1.65 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किस तरीके से जो है फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट है वो टोटल 134 पोस्टें हैं। यहाँ पर किस किस पोस्ट में जो आपको मैंने जानकारी दी थी क्वालिफिकेशन की और एज की, तो यहाँ पर सभी की जानकारी दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नाम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि किस पोस्ट में कितनी भर्ती है, तो उसमें दोस्तों कितनी भर्ती आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें। ये सब आप पहले देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से ही कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पर टोटल आपकी 134 पोस्टें आप यहाँ पर देख सकते हैं, 134 दोस्तों आपकी टोटल पोस्टें हैं यहाँ पर सभी में। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है आपकी पोस्टें हैं वो है राइफलमैन जनरल ड्यूटी, यानी GD में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर आपकी 1 मार्च रहेगी, ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे 1 मार्च आपकी जो है इसमें लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रिक्रूटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ असम राइफल पर्सनल किल्ड इन एक्शन डेट विल, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूंगी यदि आपके घर से कोई भी असम राइफल में थे, यदि उनकी डेट हो चुकी है ड्यूटी के दौरान या इंजर हो चुके हैं वो किसी भी तरीके से दोस्तों, यदि आप डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप यहाँ पर मैं कहूँ आप इंग्लिश में आप हिंदी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लड़ाई या उग्रवादी के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हो तो उनके कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, या असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं उनके कैंडिडेट, या मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गई हो, मेडिकल ग्राउंड में यदि आपकी पेंशन आ रही है, कोई आपका जो है क्या बोलते हैं रिटायरमेंट हो गया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या सर्विस के दौरान मिसिंग यानी कि गुमशुदा जो हो जाते हैं उनके सैनिक के घर वाले जो है इसमें भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जीरोक्स कॉपी ऑफ फोटो, ID, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब के साथ दोस्तों मेंशन करके आपको इस एड्रेस पर आपको जो है ऑफलाइन अपना फॉर्म भेजना होगा। जो लास्ट डेट है दोस्तों मैंने आपको बता दिए 1 मार्च से पहले आपको अपना फॉर्म भेजना होगा,
यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और लगातार डिफेंस रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दोस्तों यदि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।